मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के पालन अवश्य करें। उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री, देवेंद्र कुमार यादव की रविंद्र कुमार यादव ने संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त जिलाधिकारी भजंत्री द्वारा जिलावासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 31 दिसंबर और नवम्बर पर सेलिब्रेशन को लेकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था जारी किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया गया है। नियमों का इसके अलावा उपायुक्त द्वारा बाबा मंदिर में आगामी 1 जनवरी को आने वाले अनुमति होगी के भीड़ को नियंत्रित करने आने वाले लोगों से जुड़ी आवश्यक जानकारी हेतु मंदिर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और संचालकों को सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं तो उन्हें ट्रेस करते हुए उनका समुचित इलाज किया जा सके। प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को भी अधिकारियों को ट्रेस किया जा सके। ज्ञात हो कि सबसे महत्वपूर्ण नवम्बर वर्ष के दिन रात्रि 11:55 से मध्यरात्रि 12 संस्कार मंडप पटाखों को चलाए जा सकेंगे। काय अमलेख के अलावा उपायुक्त मानसिंह चिल्ड्रन ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए स्पीडिंग कार और वार्डिंग पर ड्राइविंग का उपयोग न करें। अधिकारियों व पदाधिकारियों की प्रतिनियों का पालन अवश्य करें जो सुरक्षा कर्मियों की सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने हेतु परिवहन करेंगे। नवम्बर वर्ष के अवसरों पर द्वारा निर्देश दिया गया कि मंडप के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए एवं सुविधा और परेशानी न हो किसी प्रकार की शिकायत हेतु वहीं यातायात व्यवस्था को जरूरी मदद हेतु सभी प्रमुख चेक चौराहों में चलेगा विशेष पुलिस की नियुक्ति करने का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। उपायुक्त द्वारा पहिया वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश विभिन्न पर्यटन द्वारा संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। पर्वत आदि जगहों पर विधि व्यवस्था स्टेशन मुख्य मंडल अधिकारियों में जांच पदाधिकारियों और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा लगभग सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है एवं उन सभी पर्यटक स्थलों जहां पर लोगों के भीड़ होने की संभावना है उन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है ताकि भीड़ व्यवस्थापन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इसके अलावा नंदन पहाड़ के तालाब के चारों तरफ सुरक्षा घेरा के साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा चुकी है जहाँ नाव एवं लाइफ जैकेट के बिना तालाब में जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी पर्यटन स्थलों मंदिर आदि जगहों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया ताकि शहर के यातायात व्यवस्था संधारण व पर्यटक स्थलों में आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।